दोस्तों जब मनुष्य सोया रहता है तब वे कलयुग में होता है, जब वो बैठ जाता है तब वे द्वापर में, और जब उठ खड़ा होता है तब वे त्रेता में पहुंच जाता है, और वही जब चलने लगता है तो सतयुग को प्राप्त कर लेता है। किंतु कभी कुछ श्रद्धालु ऐसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जो कि मोक्ष की प्राप्ति के इस मार्ग में चलते चलते उनकी मृत्यु को दर्शन करा देती है। ऐसी ही घटना के बारे में सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि कैसे कोई चार धाम की यात्रा के लिए निकला हुआ व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाता है, और क्या उस मोक्ष की प्राप्ति का आस के लिए उस भक्त को मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों चलिए सर्वप्रथम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप चार धाम के असली महत्व को जानते हैं? यदि नहीं तो आपको बता दें कि चारों धाम पर सम्मिलित चारों ही स्थानों पर दिव्य आत्मा का निवास माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हें सबसे पवित्र स्थानों की उपाधि भी दी गई है। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान बनाया गया है, तो वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का आठवां बेटू कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु के छह महानिंद्रियों में रहते हैं और बाकी छह महा जागते हैं। जहाँ स्थापित बद्रीनाथ की मूर्ति शीलाग्राम शीलता से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान नुमा है, यहाँ नर नारायण के विग्रह की पूजा भी होती है। यही नहीं, यहाँ निरंतर जलने वाले अखंड दीप भी अचल ज्ञान ज्योति की प्रतीक है। शिव पुराण के कोटि रुद्र के सहित में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी, जिसका कहना यह भी है कि भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंगी के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उसे जीवन की मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। केदार घाटी की बात करें तो केदारनाथ घाटी में दो पर्वत है, नर और नारायण की। बताया गया है कि विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की पुराणों में वर्णन के अनुसार तपो से प्रसन्न होकर ही एक केदारनाथ शिवलिंग का प्रकट हुए थे। चलिए अब आपको इस यात्रा से मिलने वाले शुभ फल के बारे में बताते हैं। पुराणों में वर्णित है कि चार धाम यात्रा करने से मात्र से व्यक्ति के एक सभी पाप को नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, चार धाम यात्रा करने वाले व्यक्ति को जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो जाना सबसे शुभ संकेत कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब उस व्यक्ति को जीवन की मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। बद्रीनाथ के बारे में एक प्रचलित कहावत है, आपने भी इनके बारे में सुना हो कि जो जाए बद्रीनाथ वो ना जाए आदरी। अतः जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंगी का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी ले उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात जो भी व्यक्ति मरण के इस प्रक्रिया से मुक्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको हमारी वीडियो में मुख्य प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों आपको अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।